और दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आप सबका हमारे चैनल तंदुरुस्त इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों गर्भावस्था किसी भी महिला का जीवन का एक मुश्किल दौर होता है, क्योंकि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर गर्भवती महिला चाहती है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु सुंदर हो, स्वस्थ हो। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ है, सुरक्षित है या फिर नहीं। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे संकेत या ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जिससे गर्भवती महिलाएं जान सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु एकदम स्वस्थ है और हेल्दी है। अक्सर गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य को लेकर चिंता में रहती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ है या फिर नहीं। जब कोई महिला गर्भधारण कर लेती है तो गर्भधारण कर लेने के बाद उसके शरीर में बहुत सारे शारीरिक बदलाव होने लगते हैं और इन्हीं शारीरिक बदलावों के आधार पर गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य का भी पता लगाया जा सकता है। तो चलिए हम आपको ऐसे 7 संकेतों के बारे में बताते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ है और सुरक्षित है। सबसे पहला है शिशु के दिल की धड़कन। दोस्तों औसतन एक स्वस्थ शिशु के दिल की धड़कन 1 मिनट में 110 से 160 बीट्स प्रति मिनट होती है। गर्भावस्था के 5वें सप्ताह के दौरान बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। हालांकि डॉक्टर प्रेगनेंसी के 9वें हफ्ते से लेकर 10वें हफ्ते के दौरान शिशु की दिल की धड़कन चेक कर सकते हैं या फिर कभी कभी वह 3रे महीने के अंत में भी डॉपलर टेस्ट करके शिशु की दिल की धड़कन की जांच कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए तो डॉक्टर चेकअप करके आपको बता देंगे कि आपके शिशु की दिल की धड़कन कितनी है। अगर आपके शिशु की दिल की धड़कन 110 से 160 बीट्स प्रति मिनट है तो ये बताता है कि आपका शिशु गर्भ में पूरी तरह से हेल्दी है, पूरी तरह से स्वस्थ है और ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। दूसरा है भ्रूण का आकार और वजन। भ्रूण की वृद्धि और विकास को मापने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके डॉक्टर आपके बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पर नजर रखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। आमतौर पर एक भ्रूण हर महीने 2 इंच बढ़ता है, इसलिए 7वें महीने तक आपका शिशु का जो लंबाई है वह 14 इंच तक हो जाती है और 6ठा महीना खत्म होने के बाद यानी कि 3री तिमाही में एक स्वस्थ भ्रूण का वजन हर वीक हर सप्ताह 700 ग्राम तक बढ़ता है। आमतौर पर 9वें महीने तक एक भ्रूण का वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है और ये 18 से 20 इंच लंबा होता है और ये सभी लक्षण गर्भ में स्वस्थ भ्रूण के लक्षण माने जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके गर्भ में आपका शिशु पूरी तरह से हेल्दी है, पूरी तरह से स्वस्थ है। गर्भवती महिला का वजन बढ़ना। प्रेगनेंसी के दौरान एक स्वस्थ गर्भवती महिला का एक निश्चित रूप में वजन बढ़ना काफी आवश्यक होता है, क्योंकि वजन बढ़ने से पता चलता है कि शिशु का विकास गर्भ में सही ढंग से हो रहा है। प्रेगनेंसी के आखिरी समय तक यानी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं का वजन 10 से 15 किलो तक बढ़ता है और ये हेल्दी प्रेगनेंसी का सबसे अच्छा संकेत माना जाता है। पेट का आकार। दोस्तों पेट के आकार से भी स्वस्थ प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। जब भ्रूण बढ़ता है तब गर्भाशय बड़ा होने लगता है। शुरुआती 3 महीनों से 4 महीनों तक गर्भवती महिलाओं का पेट का आकार इतना नहीं बढ़ता, लेकिन प्रेगनेंसी के 5वें महीने से गर्भवती महिलाओं का पेट का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि गर्भ में बढ़ते हुए बच्चे का संकेत है। जैसे जैसे गर्भ में शिशु का विकास होता है वैसे वैसे पेट का आकार बढ़ना एक स्वाभाविक बात है और ये एक स्वस्थ बच्चे की निशानी है। गर्भ में शिशु की हलचल। गर्भ में शिशु की हलचल करना यानी बेबी मूवमेंट गर्भ में शिशु के स्वस्थ और सुरक्षित होने का सबसे अच्छा संकेत है। गर्भ के अंदर शिशु लात मारता है, अंगड़ाई लेता है, गुलाटी मारता है, इधर उधर घूमता है, पूरी तरह से मूवमेंट करता है और इससे पता चलता है कि शिशु गर्भ में पूरी तरह से स्वस्थ है और उसकी ग्रोथ सही ढंग से हुई है। जब आप रिलैक्स होकर अपने पेट पर हाथ सहलाती हैं तो आपके बच्चे की किक आपको महसूस होती है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने से गर्भ में शिशु हलचल करना शुरू कर देता है।
हालांकि कुछ महिलाओं को छठे महीने में भी शिशु की हलचल महसूस हो सकती है और पांचवें महीने से लेकर पूरी प्रेगनेंसी तक गर्भवती महिलाओं को शिशु की हलचल महसूस होती रहती है, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है और शिशु की हलचल होना भी स्वस्थ प्रेगनेंसी का सबसे अच्छा संकेत माना जाता है। प्रेगनेंसी के अंतिम महीनों में शिशु की कम हलचल होना। दोस्तों, जब गर्भवती महिलाएं नौवें महीने में प्रवेश कर लेती हैं, यानी कि उनका डिलीवरी का समय पास आने लगता है, तो उस समय शिशु की हलचल काफ़ी कम हो जाती है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है और यह सामान्य है और ये एक स्वस्थ प्रेगनेंसी का संकेत भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के नौवें महीने तक शिशु अपना सर नीचे कर लेता है, जिसको सेफलिक पोजिशन कहा जाता है, और शिशु का सर सर्विक्स यानी बच्चेदानी पर फिक्स हो चुका होता है। इसके अलावा गर्भाशय में ज़्यादा जगह नहीं बचती शिशु को हिलने डुलने के लिए, क्योंकि शिशु का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके अलावा शिशु का सर जो है बच्चेदानी पर फिक्स हो जाता है, जिस कारण शिशु कम हलचल करता है और शिशु की कम हलचल होना भी स्वस्थ प्रेगनेंसी का संकेत है अंतिम महीनों में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।